मोस्ट वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। आइए मेरे भारत के शेरों, नन्हे मुन्ने बच्चों, हम लोग अपने जीवन का एक शुरुआत कर रहे हैं। किससे? मैथमेटिक्स की दुनिया से। मैथमेटिक्स में इस नए यूट्यूब चैनल पर बच्चों आपके लिए ये फर्स्ट वीडियो लेकर के आए हैं हम, जिसमें हम आपको समझाएंगे फ्रैक्शन। ये सीनियर बच्चों के लिए है, जैसे मैं सीनियर 1 2 3 4 5 छोड़ करके 5 6 7 8 के लिए यहां से एक बेसिक रूप स्टार्ट होता है, उसका नाम क्या है? फ्रैक्शन। फ्रैक्शन मीन्स बच्चों क्या होता है? हिस्सा। ये हमारे जीवन में बहुत ही जगह पर उपयोग होने वाला चैप्टर है। हमारे मैथमेटिक्स को बहुत ही सरल रूप से देखने के नजरिया में और करने के नजरिया में आने वाला एक चैप्टर है, जिसको हम इंग्लिश में भी समझेंगे और हिंदी में भी समझेंगे। फ्रैक्शन यानी हिस्सा। बच्चों फ्रैक्शन का मतलब यही है कि किसी एक पार्ट को कई हिस्सों में बांट देना। जैसे आपके घरों में सेब आता होगा, केले आते होंगे, है ना? उसमें क्या होता है, जैसे ऑरेंज आ गया और आप लोग तीन भाई हैं, मम्मी एक ऑरेंज दे देती है और बोलती तीनों लोग ले लो, ठीक है? तो उन तीनों लोगों में तीन हिस्से लगते हैं। उस बनाना में कितने हिस्से लगेंगे बेटा? उस बनाना के अंदर तीन हिस्से लगेंगे। ऑरेंज के अंदर कितने लगेंगे? उसमें तीन लगेंगे। अगर चार भाई हैं तो चार लगेंगे, अगर दो ही हैं तो दो हिस्से लगेंगे। हाफ हाफ पार्ट आप लोगों को पड़ेगा। तो जो पार्ट पार्ट में किसी प्रोडक्ट को काटते हैं, इस सारी व्यवस्थाओं को हम किस रूप में देखते हैं मैथमेटिक्स की भाषा में? फ्रैक्शन के रूप में। बच्चों हम ये ध्यान देंगे यहां पर फ्रैक्शन, ये जो फ्रैक्शन लिखा है इस चैप्टर में, इस फ्रैक्शन को हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे, ठीक है? ये हमें क्या समझाना चाहता है चैप्टर, आइए हम इस पर फोकस करते हैं। अ फ्रैक्शन इज द पार्ट ऑफ ग्रुप। क्या समझाना चाहता है बच्चों? अ फ्रैक्शन इज द पार्ट ऑफ ग्रुप। बच्चों किसी एक पार्ट को देख लीजिए, ये कोई एक प्रोडक्ट है, इसका 1/2 हम करेंगे, 1/2, एक का दो हिस्सा, 1/2। इसको हम लुक एट द फिगर, बच्चों लुक एट द फिगर, इसमें हम क्या करेंगे 1/2। ये कितना हुआ बेटा? ये एक सर्कल है, आप लोग बताइएगा, ये एक सर्कल का 1/3 पार्ट हो गया। कितना पार्ट हो गया? 1/3 पार्ट, ठीक है बच्चों? समझ पा रहे हैं? किसी एक प्रोडक्ट को लेकर के हम उसे तीन हिस्सा करेंगे। मान लीजिए ऑरेंज है, इस ऑरेंज को हम क्या करेंगे, तीन हिस्से में कर दिए। एक और प्रोडक्ट को ले लेते हैं, एक हम लोग केला ले लिया, इसको कितना कितने पार्ट में कर लेंगे बच्चों? 1 2 3 4। अगर हम चार भाई हैं, हम लोगों को मिला एक ही केला, तो उसको हम चारों लोगों को लेना है, किसी को कम बेसी बेमानी तो करना नहीं अपने भाइयों में, फिर क्या करेंगे हम चार, ये क्या हो गया 1/4। ये चैप्टर जो हमको समझाता है, ये हिस्सेदारी समझाता है बटा, इसमें ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, इसमें बहुत सारे लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन, बहुत सारी चीजें भी आगे हम लोगों को देखने के लिए मिलेंगे। यूनिट फ्रैक्शन आएंगे आप लोगों के, प्रॉपर फ्रैक्शन आएंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आएंगे, ठीक है बच्चों? हम लोग एक एक चीज को आसानी से समझेंगे, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, हम लोग एक एक चीज को यहाँ पर अच्छे से देखेंगे। सबसे पहले हम पहचानेंगे कैसे कि ये क्वेश्चन हमारे फ्रैक्शन का है, या फिर हमारा ये पार्ट फ्रैक्शन के रूप में आता है। जैसे ओनली टू है तो वो फ्रैक्शन है या नहीं, या 2/3 है तो वो फ्रैक्शन है कि नहीं है। इन सारी चीजों को जानकारी के लिए हम लोगों के बुक्स में क्या एक टॉपिक देता है, उस टॉपिक का क्या नाम है बच्चों? उस टॉपिक का नाम है टर्म्स ऑफ फ्रैक्शन। टर्म ऑफ फ्रैक्शन में हम लोग देखेंगे, यहां पर देखो बेटा, ऑब्जर्व द फ्रैक्शन गिवन बिलो, हम लोग यहां पर जो दिया हुआ है इसको ऑब्जर्व करेंगे और देखेंगे। देखिए बच्चों, जब कभी भी हम कोई भी चीज लिखते हैं, जैसे कि 2/3 की यहां पर बात कर रहा है, 2/3 में क्या करेंगे, 2 हमारा जो ऊपर वाला पार्ट होता है, हमेशा द पार्ट ऑफ अपर साइड इज कॉल्ड न्यूमरेटर। इसको क्या बोलते हैं बच्चों? NUMERATOR। क्या बोलते हैं बच्चों? न्यूमरेटर, यहां पर है ना न्यूमरेटर। और नीचे वाले पार्ट को हम हमेशा क्या बोलेंगे, डाउन साइड को क्या बोलेंगे, डिनोमिनेटर। क्या बोलेंगे बच्चों? डिनोमिनेटर, DENOMINATOR। क्या बोलेंगे बच्चों? डिनोमिनेटर। जो बीच की ये जो लाइनिंग होती है, ये जो लाइन होता है बच्चों ना, इस लाइन को हम लोग बोलते हैं बार। क्या बोलते हैं? बार। इसे कभी भूलना नहीं है। यदि इस चीज को हम अगर भूल गए तो फिर हमें ये समझने में दिक्कत होगा,
आगे चल के जब हम एड फ्रैक्शन करेंगे या सब्ट्रैक्ट फ्रैक्शन करेंगे तो उसमें डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना पड़ता है। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है किसका डिनोमिनेटर गायब कर देंगे और लाइक और अनलाइक में मिला करके आपसे पूछेंगे कि इसका न्यूमरेटर क्या हुआ या डिनोमिनेटर क्या हुआ। तो हमें ये पहचान होनी चाहिए कि न्यूमरेटर किसको कहते हैं और डिनोमिनेटर किसको कहते हैं। ठीक है बच्चों, द अपर डिजिट सो दैट द न्यूमरेटर, बेटा यह क्या कह रहा है, द अपर डिजिट सो दैट द न्यूमरेटर, ये ऊपर वाली जो डिजिट है ये क्या कर रही है, सो न्यूमरेटर, द लाइन बिलो द न्यूमरेटर इज द बार, बिलो बिलो मीन्स नीचे, ये न्यूमरेटर के नीचे जो लाइन बेटा है वो क्या कह रहा है, उसका नेम क्या है, बार, उसके नीचे क्या है, द नंबर बिलो द बार इज कॉल्ड डिनोमिनेटर, नंबर बिलो, देखिए बेटा ये जो नंबर दिया हुआ है बार के नीचे है, ठीक है, इस पार्ट को हमें क्या इंडिकेट किया गया है यहां पर, ये क्या है, डिनोमिनेटर। आप लोगों को समझ में आ गया होगा, किसी भी पार्ट में n अपॉन d के फॉर्म में शॉर्टकट में हम लोग लिख लेते हैं, कैसे लिखते हैं बेटा, जैसे n अपॉन d के फॉर्म में लिखते हैं, ये n फॉर न्यूमरेटर, d फॉर डिनोमिनेटर, और ये क्या है बेटा, बार, ठीक बेटा। ये क्या है, टी एन ओ एम आई एन ए टी ओ डिनोमिनेटर, ठीक है बच्चों, आप लोग क्लियर स्पेलिंग मिला लीजिएगा, कॉपी किताब खोल के बैठिए, इन सारी चीजों को नोट कीजिए, मैथ इज प्रैक्टिस, आपको तो पता है, क्योंकि बच्चों अभी हम लोगों का क्या काम होता है, मम्मी पापा ड्यूटी करते हैं, बहुत हार्ड वर्क करके पैसे लेकर आते हैं और हम लोगों को जीवन में एक नई शुरुआत करने के लिए उसमें मदद करते हैं, और क्या करते हैं, मम्मी अपने घर में काम करती हैं, अपना काम करने के बाद हम लोगों का भी ध्यान रखती हैं, डैडी का ध्यान रखती हैं, हम लोगों के क्लास को वॉश करती हैं, वो अपनी जिम्मेदारी को पूरा करती हैं, हम बच्चों का स्टूडेंट का क्या जिम्मेदारी होता है, हम लोगों का जिम्मेदारी यही होता है, दिस इज माई ड्यूटी, ये हमारा क्या है, ड्यूटी है, एजुकेशन क्या है, हमारा ड्यूटी है, शिक्षा से हम लोगों को समझदारी जनरेट करना है, ठीक है बच्चों। यदि कोई बच्चा समझदार नहीं है तो उसका सारा शिक्षा बेकार है, समझदार बनिए, अपने माँ बाप का कदर करिए, उनके पैसों का उपयोग करिए, उनके जो पैसे एजुकेशन सिस्टम में जा रहे हैं अपने टीचर का सम्मान करिए, अपना टीचर जो भी बोलते हैं होमवर्क करने के लिए, होमवर्क को आप लोग नजरअंदाज ना करें, कुछ बच्चों का ये कहना होता है कि आज मेरे को मम्मी होमवर्क नहीं मिला, डैडी होमवर्क नहीं मिला, बच्चों होमवर्क मिलने या ना मिलने का तो सवाल है, हर विद्यालय को आप लोगों को होमवर्क प्रोवाइड करना चाहिए, यदि विद्यालय से एक दिन दो दिन मिस्टेक हो गया तो इस चीज को आप लोग जरूर ध्यान दें, मैथ का बुक खोलें, हमारे इस यूट्यूब चैनल को भी खोल लें, यदि आप मैथ के बुक में भी देखेंगे एग्जाम्पल और टॉपिक बाय टॉपिक्स पूरे दिए होते हैं, उसको आप रीड करें, इंग्लिश रीड करें, जो नहीं समझ में आता उसको सर्कल करके ले जाएं, अपने टीचर से पूछें कि सर ये क्या लिखा है, इसको हम क्या बोलेंगे, पेंसिल से लिखिए, वो बताते हैं फ्रैक्शन, तो हिंदी में लिखिए आप फ्रैक्शन, ताकि दोबारा आपको पढ़ने में आसानी हो जाए। दूसरी चीजें आगे हम लोग देखेंगे बच्चों, आइए अपने टॉपिक पे चलते हैं, इसमें हम लोग देखेंगे टर्म ऑफ फ्रैक्शन के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, उसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं रिप्रेजेंटिंग अ फ्रैक्शन ऑन अ नंबर लाइन, रिप्रेजेंटिंग अ फ्रैक्शन ऑन अ नंबर लाइन, ठीक है बच्चों, आइए लेट अस रिप्रेजेंट 3 अपॉन 5 इज अ नंबर लाइन, हम लोग क्या करेंगे, 3 अपॉन 5 इज अ नंबर लाइन। बच्चों हम लोग बेसिक जब भी हम लोग लेकर के चलते हैं लाइन को, यहां पर लाइन की बात कर रही है, देखिए यहां पर एक लाइन है, इस लाइन के मिड पॉइंट को हम लोग बांध के चलते हैं जीरो, ये मिड पॉइंट क्या होता है, जीरो, इसके इस वाले साइड में लेफ्ट साइड में माइनस में चलेगा, माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर माइनस फाइव, ये इनफाइनाइट तक जाएगा बच्चों, आगे प्लस वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर प्लस फाइव, ठीक बच्चों, जो ये हम सिस्टम को लेकर के चलेंगे इसमें, इसको बोलते हैं नंबर लाइन, इस नंबर लाइन में मिड पॉइंट क्या होता है बच्चों, जीरो, मिड पॉइंट क्या होता है, जीरो। आइए इसमें क्या करें, थ्री अपॉन फाइव, हमें सभी के नीचे फाइव लेकर के चलना होगा, कितने हिस्सेदारी हो रही है, फाइव की, वन अपॉन फाइव टू अपॉन फाइव थ्री अपॉन फाइव
5 यहां पर हम क्या देखेंगे बच्चों, हमें क्या इंडिकेट करना था, 3/5 नंबर लाइन पर हमने रिप्रेजेंट कर दिया 3/5। यहां से यहां की दूरी क्या हो गई 3/5, रिप्रेजेंट 3/5। ठीक है बच्चों, आइए यहां पर हम कुछ और एग्जांपल करके देखेंगे, अच्छे से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। अगला टॉपिक हमारा होगा इक्विलेंट फ्रैक्शन। एक फ्रैक्शन आता है, इसका नाम होता है इक्विलेंट फ्रैक्शन। हम लोग इक्विलेंट फ्रैक्शन के बारे में थोड़ी सी डीप जानकारी लेंगे, क्योंकि ये हमें आने वाला बहुत बेहतरीन टॉपिक है। देखिए, फ्रैक्शन दैट हैव द सेम वैल्यू आर रिप्रेजेंट ऑन द सेम पार्ट ऑफ द होल आर ग्रुप इज कॉल्ड इक्विलेंट फ्रैक्शन। ठीक है बच्चों, इसमें फॉर एग्जाम्पल में हम देखेंगे, एग्जाम्पल में क्या है, एग्जाम्पल में है देखिए 4/5। क्या है बच्चों, हमें क्वेश्चन दे दिया 4/5, हमें इक्विलेंट फ्रैक्शन मतलब उसी के जैसा फ्रैक्शन, उसी के जैसा फ्रैक्शन। इक्विलेंट, इक्विलेंट क्या है, बराबरी। जैसे मैं अगर काटने तो वैसा ही आंसर आना चाहिए, चाहे जितना भी बड़ा कर ले चाहे छोटा कर ले। आइए देखते हैं करके, जैसे 4/5 है, 4/5 में हम लोग सबसे पहले किससे करेंगे मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई इसलिए करेंगे क्योंकि हम लोगों को अपर साइड में भी मल्टीप्लाई करना होगा और लोअर साइड में भी मल्टीप्लाई करना होगा। जितने भी हमारे ये नंबर दिए गए वो जस्ट डबल हो जाएंगे या ट्रिपल हो जाएंगे या 4 times हो जाएंगे। ठीक है, दोनों की वैल्यू, ऊपर की भी वैल्यू और नीचे की वैल्यू सेम सेम चलेगी। देखिए, आइए लाइव देखते हैं 2/2, यहां भी ऊपर में भी 2 से गुणा करेंगे और नीचे में भी 2 से गुणा करेंगे। 4 times क्या होगा बच्चों, 8। 5 times क्या होगा, 10। एक पार्ट तो ये मिल गया हमें इसी 4/5 में, दूसरा हम इक्विलेंट के पार्ट में क्या लिख सकते हैं, 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए ऊपर भी और 3 से कर दीजिए नीचे भी। 3 times 4 = 12, नीचे करिए 5 times 3 = 15, एक पार्ट ये मिल गया। फिर तीसरे नंबर पर हम लोग क्या करने जा रहे हैं, फिर 4/5 में हम लोग क्या करेंगे, एक बार 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 4 से करेंगे। क्या करेंगे बच्चों, 4 से करेंगे। डाउन साइड में भी 4 से करेंगे, 4 times 4 = 16, 4 times 5 = 20। ठीक है बच्चों, हमें क्या मिला, 4/5 का इक्विलेंट फ्रैक्शन हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग क्या लिख सकते हैं, 8/10, एक दूसरा 12/15, तीसरा क्या लिख सकते हैं, 16/20। ठीक है बच्चों, ये इक्विलेंट होगा 4/5 का। ठीक है बच्चों, ऐसे जो भी क्वेश्चंस आपके यहां आते हैं बुक्स में उसको आप लोग सॉल्व करेंगे, जो नहीं आएगा कमेंट सेक्शन में आप लोग डाल देंगे, मैं कोशिश करूंगा उसका सोल्यूशन भेजने के लिए। ठीक है बच्चों, आइए आपका इक्विलेंट फ्रैक्शन ये था, इसके आगे हम राइट 4 इक्विलेंट फ्रैक्शन ऑफ कुछ एग्जाम्पल करके देखेंगे। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, राइट 4 इक्विलेंट फ्रैक्शन ऑफ, 4 इक्विलेंट फ्रैक्शन बनाना भाई, किसका, 4/9 का। ठीक है, 4/9 का, चलिए करके देखते हैं। पहला वाला हम लोग करेंगे, एक बार 2 से ऊपर भी 2 से नीचे भी इंटू कर देंगे। ठीक, 4/9 में एक बार फिर 3 से करेंगे, ऊपर भी नीचे भी इंटू करेंगे। ठीक है बच्चों, फिर 4/9 में एक बार 4 से करेंगे, ऊपर भी और नीचे भी इंटू। 4/9 में एक बार 5 से करेंगे, ऊपर और नीचे इंटू। ठीक है बच्चों, इसमें जो हम लोगों को मिलेगा वही हमारे 4 पार्ट होंगे इक्विवेलेंट के और अदर। चलिए करके देख लेते हैं बच्चों, देखिए हम लोग करके जब देखेंगे तो इसमें हम लोगों को क्या आएगा, 4 times 4 times क्या होता है बच्चों, 4 times 8, 4 times 8 कर लेंगे यहां पर, 8/9 times 18, 9 times 18। आइए दूसरा, एक पार्ट तो हमें मिल गया 8/18, दूसरा पार्ट हमें क्या मिलेगा, 4 times 12/9 times
27, दूसरा ये मिल गया, तीसरा 4 जा क्या मिलेगा हमें 16 अपान 9 जा 36, 9 जा 36। आप लोगों को टेबल तो लर्न होगा ना बच्चों, टेबल लर्न करना है, बहुत जरूरी है। आपकी टीचर तो बहुत सारा शोर मचाती रही, 20 तक टेबल लर्न करिए बच्चों, 20 तक टेबल लर्न करिए बच्चों, तब तो आप लोग होमवर्क लर्न कर नहीं रहे थे, लेकिन अब क्या है उसकी जरूरत आ गई है ना, अब से भी आप लर्न करिए, नहीं करेंगे तो फिर आगे चलकर आपको समस्या जरूर होगी। देखिए 16 अपॉन 36, आगे हम देखेंगे 4 जा 20 अपॉन 9 जा 45। ओके बच्चों, देखिए 9 का टेबल आया ना यहां पे, 9 जा 45, हमें एक पार्ट ये मिला। हम क्या लिख सकते हैं, 4 अपॉन 9 के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में हम लिख सकते हैं 8 अपॉन 18, 12 अपॉन 27, 16 अपॉन 36, और बच्चों क्या लिखेंगे, 20 अपॉन 45। ठीक है बच्चों, ये आप लोगों को समझ में आया। एक बार हमें 2 से ऊपर नीचे गुणा करना है, एक बार 3 से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में गुणा करना है, एक बार 4 से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में करना है, एक बार 5 से करना है। यदि कितने कितने भाग में हुए, 1 भाग 2 3 इक्विवेलेंट मिला और यहां 4। यदि यही राइट 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होता तो फिर हम 6 से करते, यदि 6 होता तो 7 से भी करते, एक और आगे बढ़ाते, क्योंकि 1 से नहीं करेंगे, 1 से करेंगे तो सेम आ जाएगा, और वो फ्रैक्शन का जो पार्ट आपको तो दिया हुआ ही है, ये फ्रैक्शन का जो पार्ट है, एक तो 4/9 आपको दिया ही है, अदर 4 और निकालना था, अदर 4 और निकालना था। अदर 4 में हम लोगों को कौन कौन सा मिला, 8/18, 12/27, 16/36, 20/45। ठीक है बच्चों, आई होप आप लोगों को समझ में ये जरूर आ गया होगा। आइए इसका हम दूसरा पार्ट करके देखते हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा इसको, वीडियो को पॉज करके आप लोग नोट कर लीजिएगा बच्चों, क्लियर कर देते हैं। आइए हम दूसरे सवाल को यहां पर देखेंगे, 9/11। अच्छा क्या है 9/11, आइए फटाक से इसको आप लोग अपने कॉपी पे करिए, हमसे पहले आप लोग करिए करिए, देखिए आप लोगों को आता है कि नहीं, एक बार इसमें देखिए 2 से करना है आपको, इंटू न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में भी, ठीक है 9/11 में एक बार 3 से करना है, अप में भी साइड में भी और डाउन साइड में भी, 9/11 में एक बार 4 से करना है अप में भी और डाउन साइड में भी, 9/11 ये लास्ट, इसमें 5/5 करिए करिए फटाक से करिए आप लोग, आप लोगों को तो टेबल आता है बिल्कुल, 9 2 18, 11 2 22, 9 3 27, 11 3 33, 9 4 36, 11 4 44, 11 4 44, और बच्चों यहां पे क्या है 9 5 45, 11 5 55। देखिए आप लोगों का भी हमें लग रहा है कि यही आया होगा, हम लोग क्या लिख सकते हैं, 18/22, 27/33, 36/44, ठीक है बच्चों 45/55। आप समझ पा रहे हैं बच्चों, 18/22, 27/33, 36/44, 45/55। ठीक बच्चों, इस चीज को आप लोग अपने कॉपी से मिला लीजिए, आप लोग भी किए होंगे, आई होप उनको समझ में, समझाने में जो तरीका हमने लगाया है हमें लग रहा है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बच्चे यदि नहीं आया होगा तो इसको आप फिर से बैक में जाइए वीडियो पे और दोबारा से समझिए, समझना जरूरी है। हम लोग मैथ के एक एक पार्ट को एकदम बारीकी से देखेंगे, क्योंकि आने वाले समय में उसी एक एक छोटे छोटे पार्ट को बोर्ड एग्जाम में आता है, पूछ लेता है, और आने वाले कंपटीशन में छोटे छोटे पार्ट से ही उठा करके बड़े बड़े क्वेश्चन बनाए जाते हैं। ठीक है बच्चों, आइए हम लोग 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन दोनों पार्ट के देख लिए हैं, इनके और इनके भी, ठीक है कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं या नया टॉपिक देखेंगे हम लोग बच्चों। चेक वेदर द फॉलोइंग फ्रैक्शन आर इक्विवेलेंट आर नॉट,
यहाँ बच्चों क्या लिखा है, चेक वेदर द फॉलोइंग फ्रैक्शंस आर इक्विवेलेंट और नॉट। आप चेक करिए भाई, हमें कह रहा है चेक करके बताइए, और मैं आपसे कह रहा हूं कि आप भी चेक करिए। हमें लगता है कि आप लोगों को पहली बार, ये जो बच्चे पढ़ रहे हैं उन्हें अब नहीं समझ में आ रहा है, तो मैं उन लोगों को सिखा रहा हूं कि कैसे हम चेक करेंगे ये इक्विवेलेंट है या नहीं है। आप समझ पाए इक्विवेलेंट का मतलब, बराबर इक्विवेलेंट है या नहीं है। आइए देखते हैं इसमें बच्चों, हम लोग कुछ नहीं करेंगे, पहले से ट्रिक बता दे रहे हैं, आप लोग फटाक से पेन कॉपी उठा के करिए। तो इसका इंटू इससे करना है, इसका इंटू इससे करना है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आप लोग जानते होंगे, आपके टीचर पढ़ाते हैं ना। देखिए यहां 7 इंटू 10 करेंगे, ओके बच्चों, क्या आया 7 इंटू 14 है, 7 इंटू 14 करेंगे, और यहां पे कितना है 15 इंटू 10 इंटू 15। आइए बच्चों करके देखते हैं, 7 इंटू 14 करिए, 7 का टेबल 0 टाइम पढ़ेंगे तो कितना होगा 0, किसी भी वैल्यू में अगर 0 से गुणा करते हैं तो 0 हो जाता है, ये रूल है। 7 का 4 में इंटू करेंगे, 7 का 4 में करेंगे तो बच्चों क्या आएगा 28 280 आया। आइए यहां पर 10 का 15 से करेंगे 150, बताइए ना आप लोग ये सेम है क्या? नहीं, गुड, ये सेम नहीं है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉट इक्विवेलेंट, नॉट नॉट इक्विवेलेंट। ठीक है बच्चों, ये आप लोग समझ गए होंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके हम लोग चेक करेंगे, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे, और चेक करेंगे क्या दोनों का सिस्टम सेम है, यदि सेम है तो इक्विवेलेंट, यदि सेम नहीं है तो नॉट इक्विवेलेंट। इसको भी हम लोग देख लेते हैं, 5 इंटू 30 आप लोग करिए बच्चों फटाफट, हमें तो लग रहा है आप लोग कर लिए होंगे, है ना बच्चों? ठीक है, जिसका जिसका आंसर आ गया है वो कमेंट सेशन में लिखेंगे अपना आंसर। ठीक है, 15 इंटू 10 15 इंटू 10, 30 इंटू 5 5 इंटू 0 0, 3 इंटू 5 15, एनी डाउट? ओके, 15 इंटू 10 15 इंटू 10 150, डू यू नो, हमें पता था कि आप लोग कर लिए हैं, है ना बच्चों? यस यस, ये क्या है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, क्या है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। हम लोगों ने क्या किया, चेक किया, हम लोग काम क्या कर रहे थे अभी तक, CHECK, चेक कर रहे थे, हम लोगों ने ये पाया कि ये जो पहला 7/10 है एंड 15/14 नॉट इक्विवेलेंट है, और आगे हम लोगों ने बी क्वेश्चन को देखा 5/15 एंड 10/30, उसको हम लोगों ने जब चेक किया तो उसमें हम लोगों को पता चला ये इक्विवेलेंट है, बराबर है। ओके बच्चों, इस प्रकार का जितने भी क्वेश्चन होंगे उसको आप लोग लगाएंगे। ठीक है, आइए यहां पर क्या लिखा है, राइट एंड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ, राइट एंड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ। आइए यहां पर एक क्वेश्चन में दिया है, अब एक नया रूप आ गया आप लोगों के इस लेसन का, एक नया रूप आ गया, इसमें नए रूप में क्या आ गया बच्चों, इसमें नए रूप में आया है, देखिए न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आप लोगों को दे दिया है। ठीक है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आप लोगों को देने के बाद आप लोगों को पूछ रहा है विथ न्यूमरेटर आर 12, कर देते हैं कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग तो पहले से जान गए भाई कि न्यूमरेटर क्या होता है और डिनोमिनेटर क्या होता है। आइए बाहर निकाल कर देखते हैं क्वेश्चन को, 2/5 दिए भाई, ये इसी को तो हम लोग न्यूमरेटर बोलेंगे और उसको डिनोमिनेटर बोलेंगे, नहीं बोलेंगे? ठीक है, हमें डिनोमिनेटर को 12 करना है, नहीं न्यूमरेटर को 12 करना है, कर दीजिए भाई, हम 2 में ऐसा क्या कर दें कि ये न्यूमरेटर 12 हो जाए, लगाइए दिमाग, गुड, आपने सही सोचा, इसमें हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 × 2 = 12, तो भाई जाहिर सी बात है न्यूमरेटर में जो काम करेंगे वो तो डिनोमिनेटर में हमें करना होगा। आइए यहां पे भी इंटू कर देते हैं, कितना हो जाएगा 6 × 5 = 30,
12/30, आंसर क्या आएगा? 12/30। आइए इसमें भी डिनोमिनेटर 10 करके देख लेते हैं, क्या करेंगे भाई? एकदम सरल है, आप लोग को समझ पा रहे होंगे, हम तो एकदम नॉर्मल लैंग्वेज में बच्चों आप लोगों को समझा रहे हैं, एकदम आप लोग समझ लीजिए, अपने होम ट्यूशन टीचर को समझिए, कोई यूट्यूबर नहीं है, हम आपके एक अच्छे से प्यारे से दोस्त हैं, जो चीज नहीं आएगी हम पढ़ के पढ़ाएंगे, लेकिन गलत नहीं पढ़ाएंगे, आप टेंशन मत लीजिए, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, एक घंटे दो घंटे कोचिंग में भी टाइम पास करने की जरूरत नहीं है, आप एक एक पार्ट पूरे लेसन का यहां से सीख सकते हैं। आइए यहां पे कह रहा है डिनोमिनेटर को हमको 10 करना, भाई आइए कर देते हैं 10/20 कर दीजिए, हमें तो लग रहा है कि यही डिनोमिनेटर होगा, गुड बेटा सही बात है, यही डिनोमिनेटर है, आपने एकदम बिल्कुल सही सोचा, और ये क्या है? न्यूमरेटर है, गुड। हमको इसको 10 करने के लिए डिवाइड करना होगा, छोटा करने के लिए तो डिवाइड ही करना होगा भाई, छोटा करने के लिए डिवाइड करना होगा, किससे डिवाइड करेंगे? आइए 2 से करते हैं, तभी तो हमें 10 मिलेगा, हमें 10 मिल गया तो ऊपर भी 2 से डिवाइड करेंगे भाई, तो हमें कितना मिलेगा यहां पर? 5, इसका आंसर आएगा 5/10। हमें लगता है कि जो हमारे होशियार बच्चे हैं उन लोगों का आ चुका है, ठीक है बच्चों, हम डिनोमिनेटर जब 10 करेंगे तो हमें आंसर क्या मिलेगा? 5/10, इसका भी आधा हो जाएगा, इसका भी आधा हो जाएगा, क्यों? क्योंकि 2 से इसमें भी डिवाइड देंगे और 10 में भी 2 से डिवाइड करेंगे, ओके बच्चों, ठीक है, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, जिसको नहीं आएगा फिर से पॉज करके उसको आराम से एक बार दो बार तीन बार आप लोग रिविजन कीजिए। राइट एंड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ, वो सेम क्वेश्चन टाइप ऑफ फ्रैक्शन। आइए बच्चों हम लोग आ गए हैं एक नए जर्नी पर, जैसे किसी जगह पे हम घूमने जाते हैं तो बहुत सारा चीज नया मिलता है, जो हम सोच के जाते हैं कि उस मंदिर में हम ये देखेंगे, उस प्लेस पर ये, उस जू में हम इस एनिमल को देखेंगे, लेकिन उससे पहले बहुत सारे लोग मिल जाते हैं जो जिनसे हमको जानकारी मिलती है, उनको अभी तक हम लोग देख रहे थे, लेकिन अब जिसके लिए हम गए हैं या जिसके लिए हम इस चैप्टर के अंदर आए हैं वो आ गया, आइए उससे मुलाकात करते हैं, उसे देखते हैं क्या क्या कह रहा है। टाइप ऑफ फ्रैक्शन, कितने प्रकार के फ्रैक्शन होते भाई? पहला तो कह रहा है, आइए यूनिट फ्रैक्शन, बच्चों यूनिट फ्रैक्शन, घबराने का नहीं, मैं हूं आपके साथ में, एकदम अच्छे से समझा जाएगा, जो नहीं समझ में आएगा दोबारा समझा जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। यूनिट फ्रैक्शन में अ फ्रैक्शन विथ वन एज द न्यूमरेटर इज कॉल्ड एज यूनिट फ्रैक्शन, जिसके न्यूमरेटर सिर्फ वन हो, जिसके न्यूमरेटर वन हो वो यूनिट फ्रैक्शन है भाई। आइए सही बात है, लाइट फ्रैक्शन की बात करते हैं हम, हमें लगता है कि इसमें कम से कम जो आपको तो जरूर पता होगा, यदि आपको नहीं पता है आइए समझ लेते हैं लाइट फ्रैक्शन के बारे में। लाइट फ्रैक्शन बच्चों क्या कह रहा है? लाइट फ्रैक्शन कह रहा है द फ्रैक्शन हैविंग सेम डिनोमिनेटर बट डिफरेंट न्यूमरेटर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शन। थोड़ा सा इतने जगह में हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे, तो जरूर देखेंगे, नहीं देखेंगे तो समझ में कैसे आएगा। देखिए क्या कह रहा है, द फ्रैक्शन हैविंग, ऐसे फ्रैक्शन जिनके पास सेम डिनोमिनेटर हो, सेम डिनोमिनेटर, जैसे 4/5, 6/5, 8/5, 9/5, आगे क्या आया था, बट लेकिन डिफरेंट न्यूमरेटर, तो है तो डिफरेंट, इसमें 4 है, इसमें 6 है, इसमें 8 है, इसमें 9 है, यहां 16 है, यहां 19 है, लेकिन उसका न्यूमरेटर तो अलग है लेकिन डिनोमिनेटर सेम होगा, 5 5। ऐसे फ्रैक्शन को हम लोग बोलते हैं लाइक फ्रैक्शन, ठीक है बच्चों, हमें लगता है समझ में आ गया होगा आप लोगों को। इसी जस्ट इसके बाद हम तुरंत समझ लेंगे अनलाइक फ्रैक्शन, बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा भाई। लाइक फ्रैक्शन को हम लोग समझ लिए कि हम लोग इतना समझे हैं कि इसका डिनोमिनेटर वाला पार्ट हमें पता है, बच्चों आप लोगों को लर्न है कि नीचे वाला डिनोमिनेटर होता है, ऊपर वाला पार्ट न्यूमरेटर होता है, और ये जो लाइन है उसको बार बोलते हैं, ठीक है बच्चों, बार के एबव में जो होता है न्यूमरेटर, बिलो में जो होता है डिनोमिनेटर। और कह क्या रहा था, जिसके न्यूमरेटर डिफरेंट होंगे डिनोमिनेटर सेम होंगे, हैविंग सेम डिनोमिनेटर न्यूमरेटर डिफरेंट।
आइए अनलाइक में देखते हैं, द फ्रैक्शन हैविंग डिफरेंट डिनोमिनेटर आर कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शन। डिफरेंट डिनोमिनेटर, आइए भाई देख लेते हैं डिफरेंट डिनोमिनेटर क्या क्या है। डिफरेंट डिनोमिनेटर इसमें सर 4/5, 8, 9 ये डिनोमिनेटर से अलग अलग हुआ, चेंज हो गया। जब हमारा डिनोमिनेटर चेंज होगा, अलग अलग होंगे, उस फ्रैक्शन को हम बोलेंगे अनलाइक फ्रैक्शन। जब हमारा न्यूमरेटर अलग होगा और डिनोमिनेटर सेम होगा, साफ साफ ऐसे समझिए, डिनोमिनेटर यदि सेम है तो हम लोगों को लाइक फ्रैक्शन का समाधान करता है, अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो अनलाइक फ्रैक्शन का समाधान हो गया। दोनों में से एक हम लोग समझ लिए, डिनोमिनेटर जब सेम रहेगा तो सीधा सीधा हम लोग समझ जाएंगे लाइक फ्रैक्शन है भाई, डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो अनलाइक फ्रैक्शन है। आइए आगे, इसमें कुछ और पार्ट है, प्रॉपर फ्रैक्शन। चौथा पार्ट में हम लोग क्या किसके बारे में सीखेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में। आइए देख लेते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन किसको कहते हैं। अ फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर इज कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन। न्यूमरेटर इज लेस देन, न्यूमरेटर मतलब ये ऊपर वाला n है और ये d है, जाहिर सी बात है ये 4 होगा तो नीचे वाला 5 होगा, ये 7 होगा तो नीचे वाला 8 हो सकता है, 9 हो सकता है, 10 हो सकता है, लेकिन न्यूमरेटर छोटा रहेगा सदैव डिनोमिनेटर से, ऐसा कह रहा है। न्यूमरेटर इज लेस देन इट्स डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर सेम रहेगा उसके डिनोमिनेटर से, 16/19 न्यूमरेटर छोटा है ना डिनोमिनेटर से, ऐसे फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं बच्चों। आप इसका लिख लीजिए इंग्लिश में कैसे बोलते हैं, अ फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर इज लेस देन इट डिनोमिनेटर इज कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन। आइए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन पे नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बच्चों हम लोग देख रहे हैं, देखिए यहां पर क्या लिखा है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में अ फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन इट्स डिनोमिनेटर इज कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। बस वही सेम बात है भाई, जितना इसमें सीखेंगे न्यूमरेटर छोटा होगा डिनोमिनेटर से, अब इसमें बड़ा होगा, न्यूमरेटर बड़ा होगा 18 डिनोमिनेटर से, यहां 16 कर लीजिए, ये न्यूमरेटर बड़ा हो गया ना, डिनोमिनेटर छोटा हो गया। चलिए न्यूमरेटर बड़ा लिख लीजिए 7, डिनोमिनेटर कर दीजिए 5। इसमें क्या था कि डिनोमिनेटर बड़ा था, छोटा था, डिनोमिनेटर छोटा था, डिनोमिनेटर बड़ा था, न्यूमरेटर छोटा था, तो हमें क्या मिला प्रॉपर, और इम्प्रॉपर में आए तो हमें क्या मिल गया, न्यूमरेटर बड़ा मिल गया, उल्टा हो गया, और डिनोमिनेटर क्या हो गया, छोटा मिल गया। ऐसी स्थिति में जब फ्रैक्शन आए तो उसको हमको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद एक लास्ट आता है मिक्स्ड फ्रैक्शन, लास्ट नहीं कह सकते, और आगे आप क्लास में जाएंगे तो और सारे पार्ट मिलेंगे, इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ फ्रैक्शन, इस क्लास के लिए इंपॉर्टेंट, क्लास 8 तक के लिए इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ फ्रैक्शन, ठीक है। इंपॉर्टेंट में क्या, मिक्स फ्रैक्शन की बात करेंगे भाई। अब देख लेते हैं मिक्स फ्रैक्शन किसको कहते हैं। अ फ्रैक्शन विच हैव अ होल नंबर एंड अ प्रॉपर फ्रैक्शन टूगेदर इज कॉल्ड मिक्स फ्रैक्शन। किसी नंबर के पास एक होल नंबर हो, पूरा नंबर हो, और उसके बाद एक और क्या हो, प्रॉपर फ्रैक्शन हो, एक प्रॉपर फ्रैक्शन में हो, ठीक है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हो, प्रॉपर फ्रैक्शन में हो, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, प्रॉपर फ्रैक्शन में होना चाहिए। प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब कि छोटा ऊपर वाला हो, बड़ा नीचे वाला हो, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में भी हो सकता है। आइए देखते हैं, एक ये नंबर हो गया, दूसरा 2/3, 5 एक नंबर हो गया, 6/8, ठीक है बच्चों, ये मिक्स फ्रैक्शन के एग्जाम्पल हो गए। मिक्स फ्रैक्शन एक नंबर पूरा होगा 7/9, ठीक है बच्चों। देखते हैं इसमें हम लोग क्या, इसमें हम लोग देखते हैं कि एक नंबर पूरा है उसके बगल में प्रॉपर फ्रैक्शन बना हुआ है, एक नंबर पूरा है उसके बगल में प्रॉपर फ्रैक्शन बना हुआ है, ठीक है बच्चों। आगे हम लोग सीखेंगे एक एक पार्ट के बारे में, ठीक है, आइए।
कन्वर्टिंग अ मिक्स्ड फ्रैक्शन इनटू एन प्रॉपर फ्रैक्शन, आ गया मैं जो सिखा रहा था पीछे वो तो आ गया भाई सामने हम लोगों के, आइए इसको भी देख लेते हैं। कन्वर्टिंग, कन्वर्टिंग मतलब बदलिए, मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन कैसा था, 5 से 2/5 ऐसा ले लेते हैं, 8 3/4, 9 से 4/5, आइए 3 करके देखते हैं, उसके बाद तो आप होशियार हैं भाई, मेरे को पता है भारत के शेर हैं। L1 पहुंच गया है, पहुंच रहा है, चंद्रयान पहुंच चुका है, पूरी दुनिया मान चुकी है कि भारत के शेर हैं। आइए देख लेते हैं, हम लोग एक चीज को समझेंगे मिक्स फ्रैक्शन से कन्वर्ट करने में, प्रॉपर फ्रैक्शन में। बच्चों क्या करेंगे हम, सबसे पहला रूल क्या होता है, पेन का कलर चेंज करते हैं, सॉरी नहीं हो पा रहा, कोई बात नहीं, 5 × 5 यहां पर देख लेते हैं, यहां पर करेंगे गुणा, और जितना आया इन दोनों को गुणा करने पर, बहुत ध्यान से समझना बच्चों, पेन कॉपी ले लो, आप लोग क्या समझोगे, 5 × 5 करने के बाद जितना आएगा उसमें इसको जोड़ देंगे, ऐड करेंगे यहां पर, उसके बाद सेम नीचे वाला डिनोमिनेटर हमारा सेम आंसर में होगा, करके देखते हैं, देखिए 5 × 5 यहां पर आप लोगों को समझ में आया होगा ये। आगे क्या करना था, जितना आया उसमें जोड़ दो, इस 2 को ऐड कर देंगे, ऐड कर दीजिए, अपान डिनोमिनेटर सेम रहेगा, क्या था 5, डिनोमिनेटर क्या था 5, करके देखते हैं 5 × 5 25 25 + 2, ये बोर्ड मास रूल कह रहा बच्चों कि पहले गुणा करेंगे उसके बाद जोड़ेंगे, ऐसी गलती नहीं करना कि 5 + 2 7, 7 × 5 35, नहीं नहीं नहीं, बोर्ड मास रूल क्या कह रहा, बोर्ड मास रूल आप पिछले वीडियो में आप जाकर के बोर्ड मास रूल पहले पढ़िए, हमने कहा ना मैथ में एक यही समस्या है कि अगर एक भी पार्ट हम छोड़ दिए तो लाइफ टाइम उसको हमको झेलना पड़ेगा, बस आना पड़ेगा, एक एक पार्ट को आप समझिए, कहीं जाना नहीं है, ये आपकी ड्यूटी है, एक घंटे समय निकाल करके पढ़िए, नहीं समय है वीडियो अभी रोकिए, अपना जाकर के दूसरा काम कर लीजिए, पढ़ना है तो बिल्कुल आपको टाइम देना ही होगा, इस बात से बिल्कुल आप नहीं बच सकते हैं कि टाइम नहीं देना होगा, मेरे पास आप टाइम देंगे तो मेरा वॉच टाइम बढ़ जाएगा भाई, आप टाइम नहीं देंगे तो आप अपने पापा के साथ भी तो धोखा देंगे, आप अपने साथ स्वयं धोखा देंगे, आप कैसे सीखेंगे, मेरा वीडियो अच्छा नहीं लगेगा दूसरे का देखिए, अपने टीचर से पूछिए, अपने मैडम से पूछिए, स्कूल से, कोचिंग से, लेकिन आपको आना जरूरी है। देखिए यहां पर क्या करा, 5 × 5 25 + 2 यहां पर हमने 27 लिख रखा है पहले से ही, ठीक है इसको हम लोग चेंज करेंगे, यहां पर करेंगे 5 25 + 2 / 5, ठीक है बच्चों, 25 + 2 = 27/5, हम लोगों ने मिक्स फ्रैक्शन 5 2/5 को सॉल्व किया तो हम लोगों को क्या मिला है, मिक्स फ्रैक्शन मिला 27/5, 5 × 5 = 25 इंटू किए थे, यहां पर प्लस किए थे, प्लस 2 27/5, डिनोमिनेटर सेम रहेगा, आप इसको करके देख लीजिए, हमें लगता है कि हमारे बच्चे कर लिए होंगे इसको, देखिए 8 × 4 8 × 4 + 3 8 4 = 32 + 3 35, इसके नीचे हमारा ये 4 तो ऑलरेडी रहेगा डिनोमिनेटर, 35/4, गुड, हमें पता था आपका सही आएगा 35/4, इसको आप लोग करिए, करिए थोड़ा सा समय 10 सेकंड का मैं दूंगा आपको, कर लीजिए, हमें लगता है कि आप लोग कर लिए होंगे, 9 × 5 + 4 करना बच्चों, हाँ हाँ ठीक है, ठीक है करिए, गुड, 9 × 5 + 4 9 × 5 = 45 + 4/5 = 49/5, गुड, आया था ना, जिसका जिसका गलत आया था इसमें कर लेगा, और जिनका जिनका सही आया, गुड, वेरी गुड, आई एम प्राउड ऑफ यू, बच्चों आप लोगों को समझ में आ रहा है, देखिए नीचे वाले दोनों
पार्ट में हम लोग क्या करते हैं, इंटू करते हैं और ऊपर वाला जोड़ करके डिनोमिनेटर को सेम लिख देते हैं। इस कंडीशन वाले क्वेश्चन को बोलते हैं मिक्स फ्रैक्शन। इससे हम लोगों ने इस कंडीशन में ला करके इसको हम लोग ये बता दिए हैं कि हम लोग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर चुके हैं। ठीक है बच्चों, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर चुके हैं। आई होप ये समझ में आ गया होगा। आइए अगला टॉपिक देखते हैं। कन्वर्टिंग प्रॉपर फ्रैक्शन टू मिक्स फ्रैक्शन, ये उल्टा हो गया। अब नॉर्मल सा क्वेश्चन दे रहा आप लोगों को, ये तो आप लोगों को पता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, मिक्स ठीक फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन में बच्चों कन्वर्ट करिए। आइए यहां पर हम लोग देख लेते हैं मिक्स फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। देखिए बच्चों, 21 में हम डिवाइड करेंगे 4 से। क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे, ठीक है। जिससे डिवाइड करेंगे इसको बोलते हैं डिवाइजर। जिसमें करते हैं इसको बोलते हैं डिवाइडेंड। करके देखते हैं उसके आगे जो आएगा, ठीक है। यहां पर आएगा कोसेंट, इसके नीचे आएगा रिमाइंडर। देखिए कोसेंट और रिमाइंडर, ये जरूरी नहीं है कि रिमाइंडर आए, लेकिन कोसेंट का जरूरी है कि कोसेंट आएगा। आइए देखते हैं, 4 का टेबल ले जाएंगे हम अपने माइंड में। कितने टाइम्स 4 का टेबल को उतने टाइम्स पढ़ेंगे कि इससे अधिक ना हो। आप लोग डिवाइड करने आता होगा। देखिए एक चैप्टर फिर आ गया भाई डिवाइड का, आपके क्लास 1-2 का 3 का डिवाइड आप नहीं सीखे होंगे तो इसे आप कर ही नहीं पाएंगे। उसको भी सीखना आपको जरूरी है। देखिए 4 5 20, गुड, 4 5 20। आइए यहां पे हम लोग क्या करते हैं, माइनस करते हैं 1 में से 0 गया 1, यहां पे कट गया। ये 1 हमारा क्या बच गया बच्चों? रिमाइंडर, कोसेंट, डिवाइजर, डिवाइडेंड। आइए इसको लिखने का तरीका देखते हैं हम लोग कैसे लिखेंगे। बस इतना नॉर्मल सा ट्रिक याद करिए, ये कभी हटेगा ही नहीं, सीधा सीधा हम फिक्स हैं, ये कहता हम फिक्स हैं। आइए 4, ये तो हमेशा के लिए याद हो गया कि भाई ये नहीं हटेगा। आप लोग बिल्कुल कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा ऊपर रहेगा कौन सा नीचे रहेगा, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। एक के लिए तो एकदम फिक्स कंडीशन है, वो अपना रजिस्ट्रेशन करा चुका है लाइफ टाइम के लिए कि हम यही रहेंगे। आइए उनके साथ में ये रहेंगे सामने, कितने टाइम गए हैं भाई? 5 टाइम, हमेशा याद रखिएगा, ये कभी हटेंगे नहीं। जो बचा खुचा है जिसको कहते हैं रिमाइंडर, बचा हुआ शेष, हिंदी में शेष, यहां है। आप करके देख लीजिए भाई, ये मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो चुका है, ये मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया भाई। करिए मिक्स फ्रैक्शन से भी चेक कर लीजिए इसको, चेक मेथड करिए। 4 into कर लीजिए यहां पर, इसको जोड़ दीजिए। देखिए यहां पर ऐसा आ रहा है कि नहीं? 4 5 20, 5 into 4 + 1, ये पहले इसके पीछे हम लोग पढ़े हैं ना रूल, 4 5 20 + 1 21/4 आ गया ना, 21/4, यही तो हमें लाना था। आई होप उनको समझ में आ गया है कि आप लोग बिल्कुल समझ रहे होंगे, क्योंकि इतना कंसंट्रेट हो के जो बच्चा देख सकता है अभी तक वीडियो को, वो बिल्कुल भी अपने लाइफ में कुछ अच्छा करेगा, ठीक है। आइए देखते हैं आगे। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ अ लाइक फ्रैक्शन, गुड। आइए अब हम लोग एकदम मेल ऐसी दुनिया में आ चुके हैं जिसका महत्व और जरूरत समझ में आएगी कि वाकई में हमें क्या जरूरत था इतना ज्यादा अभी तक पढ़ने का। ये 20-25 मिनट जो हम लोगों ने अभी तक इन्वेस्ट किया अपने लाइफ का, उसकी जरूरत क्या थी यहां तक पहुंचने से पहले। अब आप लोगों को पता चलेगा कि अभी तक जो हम लोगों ने सर को समय दिया या यूट्यूब पे इतना हमने समय दिया वो अब सही है, उस समय का हमें कीमत अब मिल रहा है। आइए देखते हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ लाइक फ्रैक्शन, मतलब जोड़ और घटाव लाइक फ्रैक्शन के, लाइक फ्रैक्शन के हम लोग जोड़ और घटाव देखेंगे। बच्चों इसका कुछ फार्मूला है, फार्मूला सम
आर सम आर डिफरेंट ऑफ न्यूमरेटर कॉमन डिनोमिनेटर, कॉमन डिनोमिनेटर, ठीक है। आइए देखते हैं, डिनोमिनेटर कॉमन हो, अलग अलग आपके न्यूमरेटर हो सकते हैं, साफ साफ तो कह रहा भाई, लैंग्वेज उसका एकदम क्लियर है, ऊपर वाला अलग अलग होगा न्यूमरेटर, लेकिन डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। यही चीज तो हम लोग पहले भी पढ़ के आए भाई, लाइक फ्रैक्शन में नीचे वाला सेम होगा। यदि इस कंडीशन में यदि एड मिल गया तो एक लाइन की बात हम लोग करेंगे क्या, एकदम डायरेक्ट जोड़ देंगे। हमेशा याद रखिएगा कि गणेश सर ने पढ़ाया था और उन्होंने बताया था कि यदि लाइक फ्रैक्शन का एड मिला तो सीधा सीधा जोड़ दीजिए, डिनोमिनेटर जहां पर सेम देखिए डायरेक्ट जोड़ दीजिए, 3 and 2, 5/11 आंसर। यस, बिल्कुल, आपकी मुस्कुराहट अच्छी है, बहुत प्यारी है और सही भी है। इतना सरल क्वेश्चन तो आप भी उम्मीद नहीं किए होंगे, लेकिन पढ़ने के बाद ऐसा लगने लगता है कि हम लोग सही वे में जा रहे हैं। सब्ट्रैक्ट करके देख लेते हैं बच्चों, फ्रॉम मतलब से, फ्रॉम मीन्स से, आइए देखते हैं, 3/4 - 1/4 करके देख लेते हैं रख के। अब हमने क्या बताया कि लाइक फ्रैक्शन का मतलब डिनोमिनेटर सेम होगा, और जहां हमें सेम मिला जोड़ हो या घटाओ हो हम डायरेक्ट घटा देंगे, 3 में से 1 गया 2/4 आंसर। कोई प्रॉब्लम, हमें लगता है कि आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगी। इनके से यदि प्रॉब्लम है तो आप अपने स्कूल का मैथ का बुक, प्रैक्टिस बुक निकालिए, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन दिए होंगे फ्रैक्शन चैप्टर में, वीडियो के माध्यम से या उसको पॉज करके आप बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व करिए। जो क्वेश्चन नहीं आते हैं उसको कमेंट बॉक्स में डालिए, वहां से भी अगर कि पूरा नहीं हो पाता है, ठीक है, तो आप हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो करिए, इंस्टाग्राम में हम आपको इसी वीडियो के लास्ट में लिंक भेज दे रहे हैं, ठीक है। इसके बाद भी नहीं समझ आता है तो आप लोग जहां पर ट्यूशन पढ़ते हैं वहां पर पूछिए, जिस स्कूल को आपके माँ बाप पेमेंट करते हैं उस स्कूल में जो भी टीचर लगे हैं उनसे पूछिए, आपको आना चाहिए, ये आपकी जिम्मेदारी है कि आपको आना चाहिए। देखते हैं यहां पर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, आप लाइक फ्रैक्शन को हम लोगों ने देखा, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन आप अनलाइक फ्रैक्शन को अब देखेंगे। एक एक पार्ट बच्चों मैं समझा रहा हूं आपको, लाइक फ्रैक्शन का एडिशन और सब्ट्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन का एडिशन और सब्ट्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन के एडिशन और सब्ट्रैक्शन की हम लोग जब बात करेंगे, ठीक है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शन, आप लोगों को बिल्कुल पता है कि अनलाइक फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर सेम नहीं होगा। आइए देख लेते हैं, ऐड करते हैं, आ गया ना बात, देखिए डिनोमिनेटर सेम नहीं है, इसको हम कैसे करेंगे, 3/4 लिखिए कॉपी पे, फटाक से करिए, 3/4 + 5/6, बिल्कुल कॉपी पेन उठाइए भाई, एक एक पार्ट देखिए। अब हम लोग यहां पर पढ़ेंगे अनलाइक फ्रैक्शन में, अब तो बबुआ हम लोग फंस गए हैं, करेंगे कैसे, हम तो डायरेक्ट जोड़ भी नहीं सकते, इसके लिए थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है बच्चों। इसमें क्या करना है, डिनोमिनेटर का हम लोग एलसीएम लेंगे, लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लीकेशन। अब आ गई ना बात, फिर से डिवाइड करने आना चाहिए था, अब आ गया फिर से बात कि भैया आपको एलसीएम लेने भी आना चाहिए। जिन जिन बच्चों को एलसीएम लेने नहीं आता है उन बच्चों के लिए इसी यूट्यूब चैनल का नाम डालकर एलसीएम चैप्टर डालेंगे तो एलसीएम भी मैं पढ़ाया हूं, एलसीएम भी आ जाएगा। आइए देखते हैं एलसीएम कैसे लेते हैं, शॉर्टकट में मैं यहां पर जल्दी से आप लोगों को बता रहा हूं। देखिए एलसीएम का ये एक रूप है, ठीक है, जैसे एड का ये सिंबल है ना, सब्ट्रैक्ट का ये है, मल्टीप्लाई का ये है, डिवाइड, एलसीएम का ये एक रूप है। एलसीएम में हम लोग जितने भी पार्ट, जितने भी नंबर का एलसीएम लेना पड़ता है उसको यहाँ पे लिखते हैं, 4 और 6 का हमको लेना है, अलग अलग नंबर है, अगर कॉमन नहीं देंगे बच्चों तो ये 46 हो जाएगा। सबसे पहले एलसीएम में उसको डीप में आप लोग वहां पे पढ़ेंगे, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे 2 से डिवाइड करेंगे 2 + 4 = 3 + 6, फिर 2 से करेंगे, 1 से नहीं करेंगे, ये रूल में है, 1 से करेंगे फिर सेम आ जाएगा, 2 + 2, फिर 3 आ जाएगा सेम सेम, फिर 3 से कर देंगे 1 1। रूल एलसीएम का क्या कहता है पूरी डीप में वहां पर जानकारी आपको मिल जाएगी, लास्ट में 1 1 होना चाहिए। उसके बाद ये क्या मिला हमको, 2 × 2 × 3, क्या मिला बच्चों, 2 × 2 × 3, 2 × 2 = 4, 4 × 3 = 12।
अभी को हमें क्या पता चला भाई, हमें अभी को पता चला कि हमको 12 मिला है एलसीएम। बहुत ध्यान से देखना बच्चों, एकदम बहुत ध्यान से देखना है, बिल्कुल इधर उधर आपको नहीं देखना है, एकदम पूरा कंसंट्रेशन यहां पे लगाइए। इस 12 में एक बार हम डिवाइड करेंगे 4 से, और इस 12 में एक बार हम डिवाइड करेंगे 6 से। पहले वाले डिनोमिनेटर से जब हम डिवाइड करेंगे, यह है ना पहला वाला डिनोमिनेटर, ये न्यूमरेटर है, यह डिनोमिनेटर है, ये न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर है। तो डिनोमिनेटर पहले वाले से जब हम डिवाइड करेंगे बच्चों, ठीक है, जब पहले वाले से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 4 3 12, 4 के टेबल में 3 टाइम आता है, ध्यान दीजिएगा, 4 3 12 कट गया, कितना आया आंसर 3। इस 3 को ले जा करके हम पहले वाले न्यूमरेटर में इंटू करेंगे, पहला वाला न्यूमरेटर 3 था, इसमें इंटू करेंगे कितना 3 से। हमारा सिंबल ऐड कर रहे हैं हम लोग, ऐड लगाएंगे, फिर दूसरे न्यूमरेटर की बात करेंगे हम 5 की, अब इसमें किससे हम इंटू करेंगे, उसको फाइंड करने के लिए हम दूसरे वाले डिनोमिनेटर का अब भाग देंगे फिर से 12 में, 6 2 12, दो बार में जाएगा ना 12, इस 2 से करेंगे, दूसरे वाले डिनोमिनेटर से जब हम एलसीएम में भाग देंगे तो दूसरे वाले न्यूमरेटर में ले जाकर के इंटू कर देंगे जो आंसर आया है 2। आइए करके देख लेते हैं, 3 3 9 प्लस 5 2 10 अपॉन 12, बच्चों 19/12 आंसर है ना, कितना आसान। थोड़ा सा कंसंट्रेशन हमें लगता है, आप वीडियो को देख लीजिएगा, हमें लगता है नियर अबाउट 1 से 1.5 मिनट लगा होगा, अपने जीवन का एक खास टॉपिक हमको सीखने के लिए 1 से 1.5 मिनट सिर्फ वक्त देना पड़ा बच्चों। 1 से 1.5 मिनट के वक्त में आप लोग उसको देख लीजिए, सॉल्व कर लीजिए, उतारिए कॉपी पे जिन जिन बच्चों का आ गया है। हो गया होगा बच्चों, आइए दूसरा हम लोग इसको इरेज कर दे रहे हैं, दूसरा हम लोग सब्ट्रैक्ट भी देखेंगे, सब्ट्रैक्ट का और ऐड का। एक चीज और रफ करने से पहले देखेंगे बच्चों, ऐड और सब्ट्रैक्ट में सिर्फ एलसीएम लेते हैं, मल्टीप्लाई और डिवाइड का अभी हम आप लोगों को पढ़ाएंगे रूल रेगुलेशन क्या क्या है, सिर्फ अभी हम ऐड और सब्ट्रैक्ट पढ़ा रहे हैं आपको। लाइक फ्रैक्शन में डायरेक्ट जोड़ रहे थे, अनलाइक फ्रैक्शन में एलसीएम लेकर हम जोड़ रहे हैं। डिनोमिनेटर का हम लोग हमेशा एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लेने के बाद उस एलसीएम में पहले वाले डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे तो पहले वाले न्यूमरेटर में आए हुए आंसर से इंटू कर देंगे। जब एलसीएम में दूसरे वाले डिनोमिनेटर से हम डिवाइड करेंगे तो आए हुए आंसर से दूसरे वाले न्यूमरेटर में इंटू कर देंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे हम, हमारा रिजल्ट सामने हो जाएगा। एकदम नॉर्मल सा है, 2-3 कॉन्सेप्ट स्टेप बाय स्टेप आपके दिमाग में होना चाहिए। आइए आगे देख लेते सब्ट्रैक्ट का, ठीक है, हम इसको इरेज कर दे रहे बच्चों, ठीक है, आइए सब्ट्रैक्ट देख लेते हैं। 4/5 - 3/7, ठीक है बच्चों, हमें लगता है आप लोग कर लेंगे, करने की कोशिश करिए, आप लोग पेन पापे भी करते रहिए, हम यहां पे भी करते हैं, लास्ट में हम दोनों लोग देखा जाएगा हम लोगों की बाइंडिंग कितनी अच्छी है। आइए देखते हैं, दोनों का हम डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे, 5 और 7 का, 5 किसी टेबल में नहीं आता तो स्वयं 5 के टेबल में आएगा, 5 × 5, सबसे पहले छोटे वाले को हम काटेंगे, उसके बाद बड़े वाले को 7 आ जाएगा अपने सेम प्लेस पे, फिर 7 से काटेंगे, फिर यहाँ पे 1 और 1, हमारा टारगेट पूरा हो गया 1 1 का, हमें मिला क्या 5 × 7 = 35, ठीक है बच्चों, 35 हमको क्या मिल गया, हमारा LCM = 35। एक बार लाइन याद है ना, हम लोगों ने बार लाइन की बात की थी, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर बिलो देन बार लाइन, ठीक है, यहां पर बार लाइन के नीचे वाले पार्ट में हम लिखेंगे भाई एलसीएम, दोनों को समेट करके साथ में। अब हमने रूल बताया कि पहले वाले डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे, तो हमें लगता है 35 में डिवाइड करके देख लेते हैं, 5 से डिवाइड करेंगे तो 7 टाइम जाएगा, जाएगा ना बच्चों, यस गुड, 7 टाइम जाएगा तो ऊपर वाले न्यूमरेटर में इंटू कर देंगे 4 × 7 से, ठीक है बच्चों, यहां पर माइनस होगा, ठीक है कर लेते हैं, फिर दोबारा वाले में हम फिर 35 में डिवाइड करेंगे ना, किससे,
दूसरे वाले डिनोमिनेटर से, दूसरे वाले डिनोमिनेटर सेवन से, सेवन फाइव या 35, ठीक है बच्चों, हम 35 को लाने के लिए 5 टाइम ले गए, तो उस 5 टाइम का 3 में इंटू करेंगे, 3 इंटू 5, आइए सॉल्व करते हैं, 7 इंटू 4 28 माइनस 3 इंटू 5 15, आया बच्चों अपॉन 35, कर दीजिए माइनस, 8 में से 5 गया तो कितना बचा 3, 8 में से 5 गया तो 3 बचा, 2 में से 1 गया तो 1, 13 अपॉन 35 आंसर। सेवन फोर जा 28, थ्री फाइव जा 15, 8 माइनस 5 इज इक्वल टू 3, 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1, 35 एलसीएम सेम यहां प्लेस पर हो जाएगा, ये इसका हो गया आंसर।